हाउ टू हैंडल केयर्स वेल आप कोई भी बुक पढ़ते हैं कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या इंस्पिरेशनल वीडियो देखते हैं सब में एडवाइस होता है ओके सेट योर गोल्स ठीक है वीकली गोल्स सेट करिए अपने रोज डेली काम करिए रोज नई नई चीजें सीखिए राइट डू सम न्यू एवरी डे ये एडवाइस सब ठीक है बट यह एडवाइस जब लोग देते हैं तो वो क्या कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता बिल्कुल नहीं होता वी फेस वेरी वेरी केयटिक डेज सो लेट मी इज डिफाइन फॉर यू केट एक्चुअली इज के आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है ठीक है विच इज नॉट वेरी अनकॉमन दीज डेज आप लेट्स से घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ठीक है फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है ठीक है आई होप यू गेट माई पॉइंट ऐसे माहौल में जब ऐसा केयटिक माहौल है जब आपको काम पे भी फोकस करना है हजार तरीके की चीजें और हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है यू फील ओवरवेलम यू आर लाइक यार मैं कैसे करूं इसको हैंडल यू ऑलमोस्ट फील यू स्टार्ट टू फील मिजरेबल दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑन हाउ टू हैंडल केयर्स सो लेट्स गेट राइट इन टू द वीडियो नंबर वन रियलाइज दैट योर माइंड मल्टीप्लाइज केयर्स प्रॉब्लम जितनी बड़ी एक्चुअल में होती है माइंड उसको एग्जैजरेटेड एक हाइटेंड वर्जन दिखाता है रियलिटी का ठीक है इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है जितना आपका माइंड आपको दिखाता है मैग्निफाई एग्जैजरेट करके उसे ठीक है फर्स्ट रियलाइज दैट नंबर सेकेंड विच इज एक्चुअली मैम माई फेवरेट पॉइंट दैट इज गेट कंफर्टेबल विद गेटिंग अनकंफर्टेबल इसका क्या मतलब है होता यह है कि हम बहुत सारी चीजों को से फॉर ग्रांटेड लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में लेट से एयर कंडीशनर है ठीक है तो अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है आजकल दिल्ली में मैं, तो आप एयर कंडीशनर ऑन करते हैं यू कैन स्लीप वेरी वेल वेल देयर आर मेनी पीपल हु डोंट हैव एयर कंडीशनर इन देयर हाउस एंड देर स्टिल स्लीपिंग अब फर्क क्या है अगर आपको वैसे मॉल में डाल दिया जाए यू विल नॉट बी एबल टू बेयर विद इट बिकॉज आप कंफर्टेबल हो गए हैं उस लाइफ के साथ अभी मैंने बात एयर कंडीशनर की करी बट एक्चुअल में लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं जैसे टाइम एक आपका रूटीन रहता है कि आप इतने बजे उठते हैं इतने बजे काम काम करते हैं इतने बजे काम खत्म हो जाता है उसके बाद आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का टाइम होता है बट जब केटिक माहौल होता है तो ये सब उथल पुथल हो जाता है तो जो चीज़ें आपको पहले कम्फर्ट देती थी वही चीज़ें अब आपका सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट बन जाती हैं तो ऐसे माहौल में यू हैव टू से कि आई एम बिगर देन माई प्रॉब्लम ले लिया अब वहीं पैरालाइज हो जाएंगे अब कुछ नहीं कर पाएंगे अब सोच सोच के परेशान हो जाएंगे दैट्स द थिंग यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद गेटिंग अनकंफर्टेबल जैसा जिम में होता है राइट right? शुरुआत में कोई भी पर्सन अगर जिम ज्वाइन करता है वेट्स उठाना Is not a very pleasurable activity. It's not at all. But we get comfortable with that feeling. और कुछ time के बाद हमें एक gym session के बाद बहुत सही feel हो रहा होता है. क्यों? क्योंकि हमने discomfort को embrace किया. तो chaotic माहौल में भागिए मत chaos से. Embrace the chaos. Accept करिए कि हाँ ठीक है chaos है. If you try to run away from it, you'll become more

स है वो तो भी होने के लिए उसकी जरूरत नहीं है वो तो आप डेली लाइफ में करने लग जाइए जी, जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे माहौल में अगर आपने ऐसा कर दिया तो तो और गड़बड़ हो जाएगी तो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल बट अब उसका एक बिगर पॉइंट क्या आता है फोकस ऑन द स्टेप्स एंड नॉट द स्टेयर केस आपके पास बहुत सारा काम है माहौल पड़ा है आपको लग रहा है यार ये कैसे होगा हाउ कैन आई पॉसिबली डू दैट इन दिस गिवन टाइम

काफी कम काम मतलब काम थोड़ा कम हुआ काफी नहीं थोड़ा सा कम हुआ ऐसे करते करते आप जब जब स्टेप्स पे फोकस करेंगे ना आप बहुत आगे निकल जाएंगे बट अगर आप स्टेयर को देख के कहेंगे ओ oh गॉड ये कैसे होगा हाउ कैन आई पॉसिबली अचीव दिस यू बी एबल टू डू दैट सो हर पर्सन का अपना अपना तरीका होता है अपना अपना स्टाइल होता है ठीक है आई जस्ट शेयर ऐसी चीजें जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करी थी उसमें से भी सेकेंड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि से भागिए मत अपने आप को पीसफुल मत करने की कोशिश करिए ऐसे पॉइंट पे नहीं 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 मैं तो बिल्कुल पीसफुल होकर बिल्कुल रिलैक्स्यूशन निकालूंगा नहीं कई बार आपको यू you नो know, अपने अंदर का थोड़ा एक बीस्ट जगाना पड़ता है कई बार आपको माहौल में भी डील करना पड़ता है यू हैव टू लाइक यू नो फाइट लाइक अ फाइटर या थैंक यू सो मच गायस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट अगर आपको कोई फ्यूचर सजेशन्स देने हैं फ्यूचर वीडियोज के लिए तो या जस्ट गिव दम डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट सो या थैंक यू सो मच गायस आई एल सी यू गायस इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर